02952 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये शाम के 4:55 में दिल्ली से रवाना होगी। हेलो, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं आपको मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की एक झलक दिखाने वाली हूँ, जो कि अब नई नवेली हो गई है तेजस कोचेस के साथ। मैं आज आपको मुंबई राजधानी एक्सप्रेस का 25 खास बातें बताने वाली हूँ और साथ में आपको फर्स्ट एसी और थर्ड एसी का इनसाइड व्यू भी दिखाऊंगी। तो आपको नई मुंबई राजधानी एक्सप्रेस का 25 खास बात जानने के लिए ये वीडियो तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये मेरे पीछे है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस तेजस कोचेस के साथ। नए तेजस कोचेस के साथ मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 19 जुलाई 2021 को पहली बार चलना शुरू हुआ। इसके सारे दरवाजे गार्ड कंट्रोल करते हैं और ट्रेन तभी चलती है जब सारे दरवाजा बंद हो जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो चलती हुई ट्रेन से लोग सामान छीन लेके भाग भी जाते हैं। इस ट्रेन के अंदर से ही बियरिंग व्हील के बारे में पता लग सकता है और इसमें एयर क्वालिटी चेक करने के लिए सेंसर लगा हुआ है, जो एसी को ठीक से चलाने में मदद करता है। इससे पहले मैं इस ट्रेन का और कोई खास बात बताऊं तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूं। मैंने 2 जर्नी ब्लॉग बनाए हैं, एक हावड़ा राजधानी के फर्स्ट एसी का और एक पटना राजधानी के फर्स्ट एसी का। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रही हूँ, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो आपको बताते हैं अगला खास बात। इस ट्रेन के हर बर्थ में रीडिंग लाइट दिया गया है। और हर सीट पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है और विंडोज में कर्टन की जगह ब्लाइंड दिया गया है। हर कंपार्टमेंट में एक डस्टबिन दिया गया है। आपको थर्ड एसी का मैं पूरा इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ। आपको पता ही होगा राजधानी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी का ही कोचेस होता है। और आप ये इनसाइड व्यू देख रहे हो थर्ड एसी का। अगली खास बात, इसमें फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। इसका इंटीरियर तो आप देख ही रहे होंगे कितना शानदार है। हर एक कोच में 2 LCD डिस्प्ले लगे हुए हैं, जो टाइम टू टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन बताते रहता है। अगला खास बात, हर कोच में 6 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, जो पुरानी राजधानी में नहीं देखने को मिला था। ये देखो, इसमें स्मोक डिटेक्टर और एयर क्वालिटी सेंसर भी लगा हुआ है। अगला खास बात आपको बताते हैं, तेजस एक्सप्रेस का जो फ्रेम है ना, वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जो बहुत टिकाऊ होता है। तेजस कोचेस का हर बॉगी एयर सस्पेंशन है, जिसमें आपको जर्किंग का बिल्कुल पता नहीं चलेगा और बहुत आरामदायक है। एक और खास बात,
तेजस एक्सप्रेस मुंबई राजधानी का हर एक सीट, हर एक बर्थ फायर रेसिस्टेंट सिलिकॉन फोम से बना हुआ है। इसमें अपर बर्थ चढ़ने के लिए आरामदायक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे चढ़ने उतरने में बहुत आरामदायक हो जाएगा। LCD डिस्प्ले के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि वॉशरूम में, टॉयलेट में कोई गया है कि खाली है, तो फिर आपको गेट तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए अब आपको फर्स्ट AC के कोच के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ। ये देखो, इसका इंटीरियर गोल्डन येलो कलर का है और इसके कॉरिडोर में रेड कार्पेट बिछी हुई है, जो लुक को बहुत स्टैंडर्ड कर देता है। इसमें तो LCD बीच में ही लगा हुआ है। इसके हर कूप और केबिन के हर डोर में कर्टन लगा हुआ है और हर विंडो में ब्लाइंड लगा हुआ है। ये मैं कूप का इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ। ये कर्टन है, आप कर्टन को इसे खींच के लगा दो, पूरा प्राइवेट हो जाएगा, बिल्कुल होटल की तरह। ये इसमें कुंडी भी है, कुंडी और लॉक कर सकते हैं, फिर बाहर से कोई शोर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह कुंडी को लॉक कर सकते हैं। और ये स्टेप है ऊपर वाले बर्थ में जाने के लिए। इसमें स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है और रूम फ्रेशनर भी लगा हुआ है। और ये मैं चलते चलते केबिन का भी इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ। तेजस एक्सप्रेस कोच में आपको हर टॉयलेट बायो वैक्यूम टॉयलेट देखने को मिलेगा, जो कि हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। अगला खास बात, टॉयलेट में भी स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। और आखिरी खास बात, इसके हर टॉयलेट में आपको पैनिक बटन देखने को मिलेगा और रियल टाइम वाटर लेवल का इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।